दोस्तों आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं हार्दिक पांड्या का तूफानी बल्लेबाजी के बारे में। आइए इससे पहले वीडियो शुरू करें तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक करें। और दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ हार्दिक पांड्या का कप्तानी को और बैटिंग को आप 10 में कितना अंक देंगे, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर कॉमेंट करिएगा। तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक अनोखा मैच चल रहा था, जिस मैच में वर्दी की टीम को जीतने के लिए अंतिम ओवर में 30 रनों की ज़रूरत था। इस समय में हार्दिक पांड्या का तूफानी बैटिंग देखने को मिला। हालांकि दोस्तों ये मैच 2019 में खेला गया था। इस मैच का अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने चौके से शुरू किया था। तो दोस्तों 5 गेंदों में जीतने के लिए वर्दी की टीम को 26 रनों की ज़रूरत है। तो दोस्तों सांस रोकने वाले इस मैच में हार्दिक पांड्या ने दूसरा, तीसरा और चौथा 3 गेंदों में 3 गगनचुंबी छक्के जड़ते हैं। पहले छक्का 90 मीटर का है, तो दोस्तों दूसरा छक्का 87 मीटर का है और दोस्तों तीसरा छक्का 100 मीटर का है। हार्दिक पांड्या का इस तूफानी बैटिंग के चलते तो दोस्तों 2 बॉल में इक्वेशन परफेक्ट हो गया और वर्दी क्रिकेट टीम जीत का दहलीज तक चला गया। हार्दिक पांड्या ने अगले गेंदों में 2 रन लिया और अंतिम गेंदों में एक और छक्का जड़कर वर्दी क्रिकेट टीम को ऐतिहासिक मैच में जीत दर्ज करवाया और श्रृंखला भी अपने नाम कर लिया। ये तूफानी बैटिंग सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या ही कर सकता है। T20 में सबसे नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या फिर से इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी और बैटिंग करके सबका दिल जीत सकता है। ऐसे में आपका क्या राय है हार्दिक पांड्या का बैटिंग को लेकर, ज़रूर कमेंट में बताइए। मिलते अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें।